हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉवर्टी, अगर आपसे जनरली कोई पूछे पॉवर्टी मतलब गरीबी क्या चीज होती है, तो नॉर्मली कोई भी यही बोलेगा कि पॉवर्टी मींस जिनके पास पैसे कम होते हैं, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा कम होती है, खाने के लिए बहुत कम होता है, कपड़े पहनने के लिए कम होता है, रहने की जगह नहीं होती। तो ये जनरली जो कोई बताएगा पॉवर्टी के बारे में, अगर आप पूछोगे किसी से, तो हम सब यही बोलेंगे कि पॉवर्टी या गरीबी तभी बोलते हैं जब हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं होती हैं जो एक नॉर्मल दूसरे लोगों के पास होती है, जो और दूसरे लोग सोसाइटी के हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर हम सोशियो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो एक यही है कि इट इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि जितनी भी वेल्थ है सोसाइटी में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी के पास काफी ज्यादा है और किसी के पास बिल्कुल कम है। तो वो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो हमेशा ही रहता है गैप, वो गैप कभी भी भरता नहीं, वो हमेशा ही रहता है। किसी के पास ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा, और किसी के पास बहुत ही कम रहती है। तो ये गैप बहुत बड़ा है, स्पेशली हमारे इंडियन सोसाइटीज में बहुत ज्यादा बड़ा गैप है। और इतनी ज्यादा हमें डिस्टिंक्टिवनेस नजर आती है कि जो हाई वो है इनकम ग्रुप है वो टोटली हाई है, लो इनकम ग्रुप बिल्कुल ही लो है। तो दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी, कि जब हम अनइक्वली देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हुई है वेल्थ। और ये डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डिस्ट्रीब्यूट इसको कर रहा है। ये सोसाइटी में इस तरीके से काम चलता है, इस तरीके से हर चीज होती है कि वो ऑटोमेटिकली एक साइकिल बन जाता है, जो हम आगे पढ़ने भी वाले हैं कि पॉवर्टी का साइकिल कैसे बन जाता है, कि जो पुअर है वो हमेशा फिर पुअर ही रहते हैं। ठीक है, और इसमें और क्या चीज होती है, डेप्रिवेशन होती है। डेप्रिवेशन मतलब किसी चीज की कमी होना। तो डेप्रिवेशन अगर हम वैसे टेक्निकली देखें, तो डेप्रिवेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज आपसे छीन ली जाए, या ऐसी चीज कोई आपको ना मिले जो आपको मिलनी चाहिए थी, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको फील हो रहा हो कि हमें नहीं दी गई, हमसे ले ली गई। जब कोई परसीव ऐसा करता है कि हमसे कोई चीज ले ली जा रही है, तो उसको डेप्रिवेशन बोलते हैं। लेकिन पॉवर्टी और डेप्रिवेशन में कुछ फर्क है। पॉवर्टी इज एक्चुअली कोई चीज की कमी है, पॉवर्टी मीन सच्ची में रिसोर्सेज नहीं है। डेप्रिवेशन का मतलब है कि रिसोर्सेज हैं लेकिन आपको दिए नहीं जा रहे हैं, आपसे छीन लिए हैं। तो डिपेंड करता है कि जो पुअर पर्सन है वो एक्चुअली में डिप्राइव फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डेप्रिवेशन ना फील करना भी हो सकता है पॉवर्टी है, लेकिन कोई डेप्रिवेशन नहीं फील कर रहा है। सपोज आप किसी पुअर के पर्सन के पास गए और उससे आपने पूछा कि आपको लगता है कि आपके पास किसी चीज की कमी है, आपके पास कुछ चीजें नहीं है जो आपको मिलनी चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो। अगर उस पुअर पर्सन ने बोला कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, जो चीज मुझे चाहिए उतना मुझे मिल रहा है, दैट मीन्स वो पॉवर्टी है लेकिन डेप्रिवेशन नहीं है। लेकिन अगर किसी ने आंसर दिया कि हाँ, मेरे को वो चीजें नहीं मिल रही है जिसका मेरा हक है, जिसपे और मेरे को सोसाइटी में ट्रीट नहीं किया जा रहा है, और इस तरीके से मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो दूसरों को मिलती है, तो फिर उसको हम डेप्रिवेशन बोलेंगे। तो डेप्रिवेशन परसेप्शन पर डिपेंड करता है। एक कोई जरूरी नहीं है पुअर पर्सन ही, एक नॉर्मल हाई इनकम ग्रुप मिडिल क्लास पर्सन भी डेप्रिवेटेड फील कर सकता है। आपसे कोई भी चीज ऐसी जो आपको मिलनी चाहिए आपको नहीं मिल रही है किसी भी सिचुएशन में, तो आप उसको डेप्रिवेशन बोलते हो। बट यहाँ पर इन्होंने डेप्रिवेशन किससे लिंक किया हुआ है, जो नॉर्मल चीजें जो एक सारे सोसाइटीज को मिलती है, लेकिन पुअर पीपल से वो चीज नहीं, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनको वो चीज हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि इनको ये चीज नहीं मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए, तो वो डेप्रिवेशन है। सोशल डिसएडवांटेज हो जाती है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो पुअर है, क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं, उनसे कोई ढंग से इंटरेक्ट नहीं करता है, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, तो एक सोशली डिसएडवांटेज पोजिशन पे वो लोग हो जाते हैं। सोशल इनजस्टिस होता है हम लोगों के साथ, क्योंकि उनके साथ उस तरीके से नहीं ट्रीट किया जाता जिस तरीके से आप एक इक्वल लेवल पर्सन के साथ ट्रीट करोगे, एक हायर लेवल पर्सन के साथ ट्रीट करोगे। अब ये सब चीजें, फिर डिस्क्रिमिनेशन अल्टीमेटली क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन ही कर रहे हैं हम लोग एक हायर इनकम में और लोअर इनकम में। अब जैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, सपोज एजुकेशन की बात है, तो एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई है कि जिसमें हम लोग लोअर इनकम ग्रुप का ध्यान ही नहीं रखते हैं कि लोअर इनकम ग्रुप को भी तो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उनका भी एक नीड है, तो इतनी महंगी एजुकेशन वो लोग कैसे उसको पढ़ेंगे, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। सैलरीज में डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, जिसकी हायर सैलरी है उसी को और ज्यादा इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, जिसकी लोअर सैलरी है उनको नहीं मिलते हैं। तो सैलरीज में होती है
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में होती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जिन्होंने हायर स्टडीज, हायर एजुकेशन या महंगी, कुछ बहुत महंगी पढ़ाई महंगे इंस्टीट्यूट से बड़ी जगह से करी हो। जिन्होंने नॉर्मल जगह से पढ़ा है सेम वही चीज है, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ भी हो जाती है। फिर सोशल इंटरेक्शन में भी हो जाती है, जिन लोगों को ज्यादा, जिनके पास एक्सपोजर होता है, जो ज्यादा पैसे हर चीज पे दे सकते हैं, वहां पे उनको ज्यादा मौके मिलते हैं सोशली इंटरेक्ट करने के, वर्कशॉप अटेंड करने के, जगह जगह पे जाने के। तो यहाँ पे ये सारी चीजों में हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं सिर्फ। और फर्क किस चीज का पड़ रहा है, वो उसी चीज का पड़ रहा है कि उनके पास वो चीजें कम है जो कि उस चीज के लिए चाहिए, उस चीज को सीखने के लिए चाहिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए चाहिए। अब जब उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है तो फिर ऑब्वियसली वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो हमेशा ही सोशली डिसएडवांटेज पोजिशन पे ही रहते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सोशल इनजस्टिस, कि हमने जस्टिस नहीं करा उनके साथ, मतलब इक्वली सबको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, जिनको जरूरत थी उनको ना देने की बजाय जिनके पास ऑलरेडी उस चीज को मैनेज करने के लिए सब कुछ है उन्हीं को मिलती है सारी अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब लिंक टू प्रिजुडिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रिजुडिस का क्या मतलब होता है, जब हम किसी एक ग्रुप के किसी एक पर्सन या किसी एक चीज के बारे में कुछ अलग सोचते हैं कि ये लोग डिजर्व नहीं करते या इसको, इससे अच्छा तो हम उसको दे दें। तो जब हम ऐसे बायस सोचते हैं ना, बायस सोचना मतलब एक ही तरफ सोचते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, उसको प्रिजुडिस बोलते हैं। तो जिसके माइंड में प्रिजुडिस होगा वो डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा उसके बिहेवियर में। प्रिजुडिस आपके थॉट्स में होता है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन आपके बिहेवियर में नजर आता है। फिर आपके माइंड में ये चीज है कि भाई इससे आप कोई स्कूल चलाते हो या कोई आप कोई पढ़ाते हो, आपके माइंड में अगर ये चीज आ रही है कि भाई हमारी फीस हम इससे ऊपर रखेंगे और जो पे कर पाएगा उसी को पढ़ाएंगे, तो दैट मीन्स आपकी थिंकिंग प्रिजुडिस है और वो आपके बिहेवियर में डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म में नजर आ रहा है। जो आपने फीस इतनी ज्यादा रखी है ताकि वो लोग ना पढ़ पाए जो इसको नहीं पे कर सकते, तो आप ये सब चीजें करके क्या कर रहे हो, जो पुअर पीपल है उनको रिच पीपल से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। ठीक है, अब यही डिस्क्रिमिनेशन कॉज भी बन गया उसका पॉवर्टी का, क्योंकि आपने उनको कोई वो नहीं दी, अपॉर्चुनिटी नहीं दी आगे बढ़ने की, आपने उनको मौका ही नहीं दिया। ठीक है, तो वो पॉवर्टी का कॉज, वो गरीब जो थे वो गरीब ही क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला कुछ सीख के आगे बढ़ने के लिए। और कॉन्सिक्वेंस भी बन गया, कॉन्सिक्वेंस कैसे, क्योंकि वो पुअर है इसलिए उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। तो डिस्क्रिमिनेशन कॉज भी है, कॉन्सिक्वेंस भी है। कॉज इसलिए है क्योंकि उसकी वजह से नहीं आप आगे बढ़ने दे रहे हो किसी को, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, पॉवर्टी हो रही है। और कॉन्सिक्वेंस इसलिए है क्योंकि वो पुअर है इसलिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो ये जो है दोनों ही है, कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंस भी है पॉवर्टी का। उसके बाद है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उसका माइंड पे और हमारे बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बिहेवियर में वो सारी चीजें आती है जैसे मोटिवेशन, पर्सनालिटी, सोशल बिहेवियर, कॉग्निशन प्रोसेस, मेंटल हेल्थ, इन सब चीजों पे क्या फर्क पड़ता है इसका, पॉवर्टी का और डिस्क्रिमिनेशन का। तो पहली चीज यहाँ पे हमने ली है मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या होता है, जैसे कोई बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से है और उसको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिली है अपने आप का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने की, उसको कभी मौका नहीं मिला है, तो ऑब्वियसली उसकी एस्पिरेशंस लो होंगी, मोटिवेशन भी लो होगी, कॉन्फिडेंस भी कम होगा। एस्पिरेशंस का मतलब है जैसे हम लोग एस्पायर करते हैं हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास इनको लगता है हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे इतना तो हम क्या बनेंगे, तो वो क्या सोचते हैं, छोटा छोटा लेवल का ही सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम शॉप खोल लेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिक्शा चला लेंगे। तो लो एस्पिरेशंस होती है, अचीवमेंट भी इनकी कम होती है क्योंकि इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता कुछ अचीव करने की। उसके बाद हाई डिपेंडेंसी हो जाती है, अभी किस पे डिपेंड हो जाते हैं, दूसरे लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं क्योंकि खुद से नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई मौका ही नहीं दे रहा, तो उनकी लाइफ अपनी अर्निंग वगैरह करने के लिए दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। फेटलिज्म हो जाता है, जो अपनी फेट पे हमेशा भरोसा करते हैं, इनकी क्या थिंकिंग हो जाती है कि जो किस्मत में लिखा है हमारे साथ वही होगा, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। एक जो होता है ना जिसके अंदर एक सेल्फ एस्टीम होती है या कॉन्फिडेंस होता है, वो ये कहता है कि मैं अपनी लाइफ खुद बनाऊंगा, अपना करियर खुद बनाऊंगा, किस्मत तो मैं बदल लूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोटिवेशन ही इतनी कम है और डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि इनकी जो थिंकिंग होती है ये ऐसी हो जाती है कि अब जो लिखा है वैसे ही होगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा इनकी लाइफ में डिपेंडेंसी होती है दूसरों के ऊपर।
फिर पर्सनैलिटी कैसी हो जाती है, लो सेल्फ एस्टीम होती है बहुत ही लो, क्योंकि दूसरों से अगर कोई दूसरों पर डिपेंडेंट है, अगर आपको डेली किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़े अपनी अर्निंग के लिए, आपके अंदर खुद की कुछ मोटिवेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो आपके अंदर सेल्फ एस्टीम भी नहीं आएगी बिल्कुल भी, आप अपने आप को कैसे रिस्पेक्ट करोगे। तो सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है, एंजाइटी डर होता है बहुत ज्यादा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कल को पैसे ना मिले, कल को काम ना मिले, कुछ भी हो सकता है, तो एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है। इंट्रोवर्जन इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, इतना ज्यादा एक्सट्रोवर्जन नहीं होता इनके अंदर की जाके लोगों से बात करें, उनके मुंह पे कुछ खुल के बोले, ये बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं। प्रेफर स्मॉलर रिवॉर्ड, इनको ना स्मॉलर रिवॉर्ड चाहिए होते हैं उसी टाइम पे। आप इनको ये नहीं बोल सकते कि आप अभी पैसे इन्वेस्ट करो, आपको 4 साल बाद इसका रिवॉर्ड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये सोचते हैं पता नहीं 4 साल बाद हमारी लाइफ में हम रहेंगे नहीं रहेंगे, उस टाइम क्या होगा, तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है इनको, ये प्लान नहीं कर सकते फ्यूचर, इसलिए ये दूर के रिवॉर्ड्स के बारे में कभी भी वो नहीं करते। इनको चाहिए होता है जो चाहिए अभी चाहिए, प्रेजेंट में जो है वो दे दो, चाहे वो छोटा रिवॉर्ड भी हो लेकिन अभी दे दो, क्योंकि प्रेजेंट इनको अपना मेन जो टेंशन होती है कि किसी तरीके से प्रेजेंट ये लोग जी लें, तो फ्यूचर की जो एस्पिरेशन है वो बिल्कुल ही नहीं होती। फिर होता है सोशल बिहेवियर, कैसा हो जाता है, एटीट्यूड ऑफ रिजेंटमेंट टुवर्ड द अदर रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, दूसरे लोगों को, मतलब जो पुअर सोसाइटी है, जो पुअर पीपल का ग्रुप है, उनको दूसरे लोगों से रिजेंटमेंट होता है, गुस्सा होता है, शिकायत होती है कि हम लोगों के साथ ये ऐसे करते हैं और हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, हमको अलग रखते हैं, हम लोगों को कहीं पे एक स्टेटस नहीं मिलता है, कहीं पे हमारे को इज्जत नहीं मिलती ठीक से, तो मतलब दूसरे जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है ना उनके साथ इनके अंदर एक हेट्रेड होती है इनके माइंड में, ठीक है। फिर आता है कॉग्निटिव प्रोसेस, जनरली इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इनकी लो होती है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और जो परफॉर्मेंस होती है लो होती है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिली कहीं से और अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली अपनी स्किल्स को और अच्छा करने की, फाइन करने की। स्किल्स हो सकते हैं उनके अंदर हो, लेकिन जब उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, उनको मौका नहीं मिलेगा उसको स्किल्स को और अच्छा करने की, तो क्या होगा, धीरे धीरे परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो टाइम परसेप्शन हो गया या डेप्थ परसेप्शन हो गया, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा फंक्शनिंग लो होती है इनकी। फिर आ जाता है आपका मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ क्या होता है, बहुत इनसिक्योरिटी होती है माइंड के अंदर, पैसे बहुत, क्योंकि पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, रहने का भी अता पता नहीं है कहाँ रहना है कब तक, तो इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, डिप्रेशन होता है कहीं ना कहीं माइंड के अंदर कि हमारी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल है, इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत होती है इनकी, और सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड पावरलेसनेस होती है, क्योंकि ऑब्वियसली होप तो होती नहीं इतनी ज्यादा, कुछ फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते अपना, डिपेंडेंसी है सबके ऊपर, तो एक पावरलेसनेस हो जाती है, होपलेसनेस हो जाती है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर पावर्टी और डिस्क्रिमिनेशन कोई फेस करता है किसी भी सोसाइटी में, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके कॉजेज डिस्कस करेंगे कि पावर्टी का इतना कॉजेज क्या होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।